नगर निगम टैक्स विभाग के कर्मचारी फरहान अहमद को निलंबन किए जाने का नगर निगम कर्मचारी समन्वयन समिति ने विरोध किया है। नगर निगम कर्मचारी समन्वयन समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कर विभाग के सभी कर्मचारियों ने निलंबन का विरोध करते हुए मंगलवार को कार्य बहिष्कार कर कार्यालय परिसर में धरना दिया। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कर विभाग के कर्मचारी का निलंबन वसूली कम होने और अनुशासनहीनता के कारण किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि बीते दिनों टैक्स विभाग के कर्मचारी विशाल श्रीवास्तव और जाफरा बाजार के स्थानीय पार्षद के साथ हुए विवाद के बाद निगम कर्मचारी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसी के विवाद को लेकर विभाग के कर्मचारी का निलंबन किया गया है। जब तक निलंबन वापस नहीं होता तब तक कार्य बहिष्कार कर हम धरने पर बैठे रहेंगे। इस अवसर पर नगर निगम कर्मचारी संघ समन्वय समिति के पदाधिकारी सदस्य और भारी संख्या में कर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने कहा, अभी कुछ दिन पहले और उस दरमियान अभी कर और उसमें क्या बात विवाद में हुआ है आप लोग भी जानते हैं। अखबार जब उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हो गया हमारा धरना समाप्त, कम वसूली और अधिकारियों के आदेश का पालन न करने के आरोप में निलंबित कर दिया। 2800 की संख्या है और निलंबन हो रहा है 12:10 की डेट। क्या पोजीशन है? किस बात की? अरे वो राम जानकी नगर हो, अगर वसूली कम है दे दीजिए। वसूली का मानक क्या है और कितने परसेंट तक वसूली अगर नहीं होती है तो कर्मचारी खिलाफ कार्रवाई होगी? दे दो, हमारे टैक्स विभाग के कर्मचारी अपने मूल कार्य को छोड़ के इसके अलावा हमारे कर्मचारी सफाई काम में लगे थे। कल शनिवार रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को जैसे ही कार्यालय खुला उस दरमियान ये सूचना मिली कि टैक्स विभाग के कर्मचारी फरहान अहमद को निलंबित कर दिया गया है। आरोप लगाया गया कि 28/9 की समीक्षा में पाया गया है कि उनकी वसूली बहुत ही कम है और वो अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करते, अवहेलना करते, इस आधार पर उनको निलंबन कर दिया गया। यह जो आरोप लगाया है पूर्णतः गलत है। यह इनका फरहान अहमद का निलंबन एक पूर्ण रूप से राजनीतिक साजिश है। हम इस राजनीतिक साजिश में जो निलंबन किया गया हम उनसे मांग करते हैं नगर आयुक्त साहब से कि उनका निलंबन जनहित को देखते हुए कर्मचारी की भावनाओं को देखते हुए तत्काल निलंबन समाप्त करें, अन्यथा नगर निगम को आने वाले दिनों में अपनी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। क्योंकि अभी पिछली बार जाफरा बाजार के माननीय पार्षद के द्वारा एक कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उस दरमियान जो कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन का कार्य बहिष्कार किया था उसी दरमियान एक कुछ झगड़े भी हुए थे जिससे हमारे मीडिया के साथी भी जानते हैं। उसी घटना को ये आधार है कि वो लोग इसमें शामिल हैं। निलंबन एक बहाना है सिर्फ कर्मचारियों का उत्पीड़न करना है। अतः हम नगर आयुक्त साहब से मांग करते हैं कि निलंबन उनका समाप्त कर दिया जाए और हम लोगों की बातों को बिना सुने किसी के कहने से या आरोप लगाने से अगर निलंबन करते रहे तो पूरा नगर निगम के समस्त कर्मचारी निलंबित हो जाएंगे।